हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू लुक वेरी गुड। सो दोस्तों, मैंने दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो को क्रोम ब्राउजर से कैसे अपलोड कर सकते हो। उसमें दो तीन अपडेट था, वो भी मैंने बताया था कि कैसे एंड स्क्रीन, आई बटन, डिस्क्लेमर तथा अपनी वीडियो का सेल्फ सर्टिफिकेशन दे सकते हो, आपका डेंजरस कॉन्टेंट किस लिए आया है, आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक किस लिए आई है या फिर आपको स्ट्राइक किस लिए मिलता है, वो सारा रीजन आपको कहां पर दिखाई देता है वो भी मैंने आपको बताया था। तो उस वीडियो में भाई ने कमेंट किया है, एक कमेंट आया था उस वीडियो में, यहां पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप देख सकते हो क्या कमेंट आया है। भाई ने लिखा था कि भाई जैसे हम YT स्टूडियो या फिर YT में एप्लीकेशन में YouTube वीडियो को अपलोड करते समय ऐड साउंड का ऑप्शन आता है, तो क्रोम से कैसे हम साउंड ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं बता दूं कि आप YT से भी कर सकते हो, क्रोम से भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा म्यूजिक भी डिफरेंट हो सकती है, बट आप क्रोम से भी म्यूजिक लगा सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ, लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट से एंड तक देखोगे, विदाउट स्किप किए तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नो कॉमेडी नो बकवास, ओनली स्टार्ट। सो दोस्तों, अभी आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर क्रोम ब्राउजर से अपनी यूट्यूब वीडियो में म्यूजिक लगाने के लिए क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है। होम पेज पे आ जाना है, जैसे आप होम पेज पे आओगे यहाँ पे अपना YT जो है डेस्कटॉप साइट पे क्रोम ब्राउजर पे ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद व्यू चैनल पे चले जाना है। अब आपको व्यू चैनल पे जैसे जाओगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए कस्टमाइज ऑप्शन का मिलेगा, इस पर आपको कस्टमाइज चैनल कर देना है। जैसे आप इतना करोगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, YT स्टूडियो ऑटोमेटिक से यहां पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, क्रोम ब्राउजर पे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अपनी कंटेंट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, जो भी आपका वीडियो कंटेंट है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंटेंट वाले पे क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपकी जितनी भी वीडियो होगी वो सारी ओपन हो जाएगी। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए वीडियो जितनी भी है सारी वीडियो है, यहाँ पे जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हो पूरी की पूरी वीडियो आपकी आ जाएगी। अब आपको इनमें से कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट करना है या फिर आपको अपलोड करोगे, चलिए मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है, क्रिएट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अपलोड वीडियो पे आ जाओगे, यहाँ पे अपलोड वीडियो पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद आपको जूम आउट करेंगे, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे मीडिया पिकर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको जो भी वीडियो लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक है। आप अपनी गैलरी में जाकर अपनी वीडियो कोई भी ले सकते हो, जैसे मान लीजिए मुझे ये वीडियो लेनी है, यहाँ पे करेंगे एड वन पे चलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए वीडियो ऑटोमेटिक से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वीडियो अपलोड हो रहा है, यहाँ पे आपको टाइटल लिख लेना है, ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्लेलिस्ट है तो आप प्लेलिस्ट लगा सकते हो। यहाँ पे वन बाय वन देखना, स्किप बाय विदाउट स्किप किए देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। म्यूजिक का ऑप्शन यहाँ पे कहीं नहीं आएगा। अब जैसे आप इतना कर लेते हो, ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ठीक है, इतना आएगा, फिर आपको ये नेक्स्ट कर देना, आपको वन बाय वन सारा कुछ भर लेना, ठीक है। जैसे आप इतना भरते चले जाओगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना सब कुछ, उसके बाद पूरा नेक्स्ट कर देना, अभी ये वीडियो ऑटोमेटिक से अपलोड हो जाएगा, ठीक है, अनलिस्टेड में। अगर आपको पब्लिक डायरेक्ट करना है तो पब्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज वीडियो अपलोडिंग है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से वीडियो अपलोड हो रहा है ना, 3 मिनट लगेगा, ये देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। अब जैसे क्लोज कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए वीडियो आ गया आपका, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, समझ रहे हो, ये आ गया इतना फ्रेंड्स। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे गाइस देखना, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ कैसे आपको साउंड लगाना है। अब यहाँ पे जाना है, ये देखिए यहाँ पे एडिटर वाला ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि अभी ये वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। सो दोस्तों, ये वीडियो अपलोड होने में टाइम ले रहा है, थोड़ा सा इसको बैक कर देंगे, ठीक है। बैक करने के बाद आपको आ जाना है वही कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाओगे, आपका जो भी वीडियो है यहाँ पे दूसरा वीडियो हम सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं कैसे आप म्यूजिक लगा सकते हो, इस पर क्लिक कर देना। अब चाहे इस पर क्लिक करोगे चाहे इस पर करोगे, एडिट वाले ऑप्शन पर चले जाना। अब जैसे आप चले जाओगे यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका वीडियो जैसे वो ओपन होता वैसे ये ओपन है, ठीक है। अब आपको इसमें देखिए करना क्या है, यहाँ पे मिलेगा एडिटर वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए आप एडिटर वाले ऑप्शन पे चले जाओगे, आपका वीडियो ओपन हो जाएगा यहाँ पे, अगर अपलोड हो जाएगा तब। जब तक अपलोड नहीं होगा, प्रोसेसिंग में होगा, तब तक ये नहीं आएगा। अब जैसे आपका वीडियो अपलोड है, अब यहाँ पे देखिए आपको ऐड साउंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन जरूर मिलेगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ ऑडियो का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी ऑडियो लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, तो आप यहाँ पे कोई भी एक सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हो, कोई म्यूजिक। चलिए मैं एक म्यूजिक बजा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो म्यूजिक बज रहा है। आपको अगर जोड़ना है तो यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन है, इस पर आपको कर देना है। अब जैसे ऐड कर दोगे यहाँ पे देखिए सॉन्ग आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मैं वॉल्यूम
डाउन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सॉन्ग ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर आपको सर्च भी करना है तो आप सर्च भी कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे सर्च फॉर फिल्टर लाइब्रेरी, इस पर भी क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जो भी सॉन्ग लेना है यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो और ऑडियो लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग आपको सॉन्ग तो मिल ही जाएगा, यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव कर देना, आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी सॉन्ग यहाँ पे लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, अभी मुझे लगाना नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी सॉन्ग है मेरा देखिए यहाँ पे होगा जो मैंने लगाया है, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसमें करूँगा ये रिमूव हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से हो जाएगा तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी कुछ भी चेंज नहीं किया है। जैसे आप इसको कर दोगे ऐड साउंड करके, आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे मैं ऐड कर दिया, यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे ऑटोमेटिक से आपके वीडियो में साउंड लग जाएगा। मुझे अभी नहीं लगाना है तो मैंने नहीं लगाया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्रोम से अपनी वीडियो में कैसे साउंड लगाते हैं। तो सो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने भी क्रोम से अपनी वीडियो में म्यूजिक लगाना सीख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी आपको हमारे चैनल के अकॉर्डिंग, इसलिए चैनल पर बने रहना, आप हमें अनदर सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।